हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जिनको मैं बात करना चाह रही हूँ, एक सना जी आई है यहाँ पर। जी सना जी, क्या हाल है आपका? थैंक यू, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ जी। हैप्पी बर्थडे पहले आपको। जी थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट। आप अगर माइंड ना करें तो आप किस कंट्री में हैं? मैं कनाडा में हूँ। कनाडा में? ओके, मैं इंग्लैंड से बात कर रही हूँ। काफी देर से आपकी लाइव देख रही थी, क्वाइट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। मतलब आपकी भी बातें सुनी, आपके गेस्ट की भी बातें सुनी, कुछ हद तक आप लोग ठीक डिस्कस कर रहे हो, पर कुछ बातें जो हैं मुझे मतलब काफी अच्छी नहीं लगी। अब जैसे देखे आप, योर आउट ऑफ कंट्री एज वेल, जैसे कोई गे वगैरह होता है आप उसके खिलाफ आप कुछ बात करते हैं तो उसे बोला जाता है होमोफोबिक। गे लेस्बियंस के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, तो जब इस्लाम के खिलाफ कब कोई जब कोई बोलता है तो इसलिए इस्लामोफोबिक क्यों नहीं कहा जाता? ये क्यों कहा जाता है कि ये मुस्लिम है तो ये गलत रिएक्ट करते हैं? आपकी जब कोई पर्सनल चीज हो, अ रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल थिंग फॉर अ पर्सन, कोई भी किसी चीज में जब आप कोई मानता है ना तो उसके लिए वो बहुत पर्सनल होती है। उस पर जब कोई आपकी फैमिली हो उस पर कोई अटैक करता है तो उसका वो एक जैस बोलते हैं काउंटर रिएक्शन होता है। तो जब इस्लाम के खिलाफ कोई बोलता है, मैं ये चीज जरूर मानती हूँ कुछ लोग ना हद से बाहर चले जाते हैं, वो चीज नहीं करनी चाहिए। मतलब किसी को मार देना या किसी को अटैक करना, दैट इज टोटली रॉन्ग, आई डू नॉट अग्री विद दैट। बट जब कोई जवाब किसी चीज का देता है, और चीजों में अगर इतने कानून है वगैरह है, इसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, तो जब इस्लाम पे चीज आती है और कोई जवाब देता है तो उस पे सब भड़क फिर क्यों जाते हैं? अच्छा, तो पहली बात तो जो आपने बोला ना कि होमोफोबिया हो जाए या ट्रांसफोबिया जो हो जाए, राइट? एनीथिंग। हाँ हाँ, नहीं मगर वो जो है ना, वो एक फीलिंग्स है, वो एक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, यानी एक आपको सेक्सुअली आपकी प्रेफरेंस है कि आपको सेम जेंडर से जो है पसंद आता है, राइट? तो उसमें वो डिफरेंट हो जाती है। रिलीजियंस आर अ लिटिल डिफरेंट। रिलीजियंस एक आइडियोलॉजीज है, वो एक आइडियोलॉजीज फॉलो करते हैं लोग और उसके थ्रू वो चलते हैं। नाउ आइडियोलॉजीज कैन बी क्रिटिसाइज। अब ये नहीं है कि मैं लेस्बियंस पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकती हूँ, मुझे हर चीज पे आई डोंट डिसएग्री, हर चीज पे आप कर लूं, फिर मैं बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप जी जी जरूर। तो ट्रांसफोबिया पे मैं बात करती हूँ, हाँ लोग मुझे उस पर बोल रहे होते हैं, वो अब इन लोगों ने इरेशनल वो चीज बना दी है कि फोबिया इज इरेशनल फियर। अब मुझे कोई ट्रांस से फियर नहीं, ना ही लेस्बियन से फियर है मुझको, मगर इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिससे मुझे खतरा लगता है, क्योंकि उस आइडियोलॉजी के मुताबिक अगर मैं इस्लाम छोड़ देती हूँ तो मुझको मार देना चाहिए, और अगर मैं उस पर क्रिटिसाइज करती हूँ तो भी मुझे मार देना चाहिए। तो उसपे जो मेरा फियर है ना, वो इरेशनल नहीं रहता है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि इट शुडंट बी इस्लामोफोबिया, इट शुड बी मुस्लिम फोबिया, क्योंकि मुसलमानों से मुझको डर लगना हो ना तो वो इरेशनल फियर हो जाता है, क्योंकि मुसलमान हर किस्म का मिलेगा, हर डिफरेंट टाइप का मिलेगा। टर्की का मुसलमान पाकिस्तान जैसा नहीं है, इंडोनेशिया का मलेशिया जैसा नहीं है, अफ्रीका का जो है वो यहाँ पे जो गोरे रहते हैं वैसा नहीं है। सो आई थिंक दैट टर्मिनोलॉजी नीड्स टू बी चेक्ड। बस मैं ये आई एक्चुअली अग्री, इस्लाम से आपको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ये चीजें जो ये लोग फैला रहे हैं ना, इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। कुरान में जो चीजें लिखी गई है उनको मिस इंटरप्रिटेट करके लोगों को सुनाई जा रही है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मुस्लिम से आपको जैसे आप बोल रही ना, आई कैन इवन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं, जिस चीज तरीके से चीजें रिप्रेजेंट की जा रही है दुनिया को, आप उल्टा ले रही है। देखिए, इस्लाम की आइडियोलॉजी आपसे कहती है कि आप अगर इस्लाम छोड़ देते हैं, ये लिखा हुआ है, ये मुसलमान अपनी तरफ से नहीं बता मनाते हैं कि अगर आप इस्लाम छोड़ देते हैं तो उस बंदे को या तो आप 3 दिन की मोहलत दें कि वो वापस आ जाए, नहीं आए
तो फिर उसको आप मार देते हो, अपोस्टेट है ना, सजा यही तो ये होती कहाँ लिखा हुआ है? है। ये मैं अभी अपने कंप्यूटर पे नहीं, वरना मैं आपको आयत या उसकी जो हदीस है मैं वो दिखा देती। पर अलावा जो सुने, गुस्ताखी करता है, तो जो गुस्ताखी करता है उसकी तो आपको एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं इन द पास्ट, के जहाँ पर शायरा थी उनको मरवाया गया था, दो तीन और पोएट्स थे उनको भी मारा गया था क्योंकि वो रसूल की गुस्ताखी करती थी उनके अगेंस्ट उस लिखी। देखे पता के बात ये है, जो चीजें है ना, एज आई सेड, मिसरिप्रेजेंट भी की जाती हैं कुरान में। पता है आपको लिखा हुआ ये है, जब काफिर को, जैसे बोलते हैं जो नॉन मुस्लिम है उनको मारने के लिए, आपको पता है इजाजत कब है? जब हमारा जो है ना मक्का शरीफ सऊदी अरेबिया में, जो हमारा मेन चीज, मेन पार्ट है इस्लाम का, उस पे अटैक किया जाए ना, तब आपको इजाजत है उसको डिफेंड करने के लिए, आप सामने वाले को अटैक कर सकते हैं। बाकी ये जो चीजें है ना, ये लोगों की बनी बनाई है। मैं अग्री करती हूँ कि लिखा हुआ है, मगर फिर हमको फिर बनु कुरैज़ा का वाकया मिलता है जिनके ऊपर खामखाई में अटैक किया गया था, और पर भी है ये लोगों का माइंड सेट बन गया, यही मैं आपको बता रही हूँ ना, लोगों का ये माइंड सेट बन गया है कि नहीं, ये सही है। कहीं नहीं लिखा कि आप दूसरे मजहब के किसी इंसान को मार डालो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये लोगों ने बातें खुद से ना, चीजें मिसरिप्रेजेंट लिखा करके है शो ना, कर रहे ये हैं। लोग अपनी तरह से नहीं बना रहे हैं, ये लिखी हुई है चीजें। अब प्रॉब्लम बताऊं क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बुक्स में एक जगह लिख दिया है कि भाई अगर आप एक बंदे को भी मारते हो तो उसको मारना ऐसा है कि जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, मगर एक फिर यस उसमें आ जाता है कि भाई जहां भी यहूदी को देखो पेड़ भी गवाही देगा कि ये मेरे पीछे यहूदी छुपा है इसको मारो। तो कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है, एक जगह लिखते हैं कि औरत की पिटाई लिख दी है, तो एक जगह लिखा है औरत के माँ के पैर के नीचे जन्नत है। There are so many contradictions in the book. contradictions are created because they take it out of the context. एक चीज एक कॉन्टेक्स्ट में लिखी है ना, जब आपको उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर लेके एक सेंटेंस आप किसी को दिखाओगे ना, उस सेंटेंस के आप 10 मीनिंग्स बना सकते हो। पर जब आप एक पूरा एक किस्सा रीड करोगे ना, उस एक सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो मुझे आप फिर सिर्फ आप एक बात बताइए, तो फिर मुझे एक बात बताएं कि अगर ऊपर वाला मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको क्लियरली क्यों नहीं लिख रहा है, वो क्यों इस तरीके से लिखी कि उसके 10,000 मीनिंग आप निकाल लें, इंटरप्रिटेशन लगा लें उसकी। फॉर एग्जाम्पल इसमें मुझे, एक सेकेंड आपसे मैं आपको बताती हूँ, 434 जो आयत है सूरह निसा, उसमें क्लियरली लिखा है कि स्ट्राइक योर वुमेन, जो थर्ड रिजोर्ट दी है कि अगर आपकी औरत आपकी बात ना सुने तो उसको स्ट्राइक करें। अब लोग कहते हैं उसको सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा जा रहा, तो अगर आपने वो पढ़ी है तो उसका कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में क्या निकलता है? एक और सॉरी, मैंने आपका पूरा क्वेश्चन नहीं सुना था। आप मतलब एज वाइल एज टुवर्ड्स वुमेन, ये आप कह रही थी? अच्छा हाँ, नहीं मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताती हूँ। कुरान में 434 आयत में लिखा है कि अगर आपकी बीवी आपकी बात नहीं सुन रही है, क्योंकि मर्दों को औरत में फजीलत हासिल है, और आपकी बीवी आपकी यस बात नहीं सुनती तो पहले उनसे बातचीत बंद कर दो, ठीक है, उनको समझाओ, फिर अगर वो नहीं सुनती है तो उनके साथ फिर अपना बिस्तर अलग कर लो, और अगर फिर वो नहीं यस सुनती है उसके बाद भी तो फिर आप उसको मारो। और ये लिखा हुआ है, अब उन्होंने लाइटली ब्रैकेट्स में ऐड कर दिया है कि लाइटली मारो, यू नो। फिर इसके मैं इसका कॉन्टेक्स्ट पूछती हूँ लोगों से, तो फिर इसके कॉन्टेक्स्ट से मुझे डिफरेंट डिफरेंट आए हैं, अब मैं आपको क्या बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ इसका क्या है। इसका ये था कि जब हजूर पाक यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, उनके पास एक इंसान गया, तो उसने कहा कि जैसे हम इसे औरत को खिलाते हैं पिलाते हैं, जैसे हमारी प्रॉपर्टी है, राइट? तो हमको इस पे हाथ उठाने की इजाजत है कि नहीं, क्योंकि हम सब कुछ इसके लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर तुम लोगों को इतना है ना कि तुम लोग खिला रहे हो पिला रहे हो, तुमने अपने घर पे रखा है, तो आपको मारने की इजाजत है। मारने की इजाजत पर कैसे है? वो इंडिया में भी मिलती है, वो छोटी सी, जैसे छोटी स्टिक नहीं होती जिसे दांत साफ किए जाते हैं, उंगली रोटी तकरीबन होती है वो लंबी, उससे उन्होंने कहा आप उसके उल्टे हाथ पे उस पे आप मार सकते हो। आपको इतनी सिर्फ इजाजत है अगर आपको अपना हक जमाना है। तो आप मुझे ये बताएं, वो जो स्टिक होती है जिससे आप अपने दांत साफ करते हो, वो उल्टे हाथ पे मारने से वो मार है? मर्द को सिर्फ इतनी, एज अ हस्बैंड,
दैट इज द ओनली परमिशन यू हैव। मान लेती हूँ आपकी बात, मुझे आप एक बात बताएं कि अगर आप जो आप तो बाहर के मुल्क में बैठी हैं, अगर एक बंदा एक स्टिक उठा कर भी मेरे हाथ पे मार देता है तो आगे उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, आप मुझे बताइए क्या होगा उसके बाद। नॉट अ स्टिक, स्टिक एज इन वो जो दांत साफ करने की, अब मुझे हिंदी में उसका एक्चुअल वर्ड पता है ना कि हमारे मुल्कों में जितनी पेंसिल होती है ना पेंसिल उतनी जी, सुने सुने मुझे अगर कोई मेरी मर्जी के बगैर आकर यहाँ पर उंगली लगाए या आपको भी लगाए ना तो उसको उठा के पुलिस ले जाती है। यस एग्जैक्टली, यू कैन नॉट फिजिकली टच एनीबॉडी इन आउटसाइड ऑफ हमारी जो कंट्रीज है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जो हमारी मतलब ये वेस्टर्नाइज जो कंट्रीज है इनके, तो आप छू भी नहीं सकते किसी को किसी की मर्जी के बगैर। यहाँ के लॉज ही ऐसे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, देयर इज नो वे, इस कर ही नहीं सकते। पर हम ये जो हमारी एशियंस की कंट्रीज है, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान कश्मीर ये वगैरह, मतलब इनमें हमारे लॉज नहीं है। इन एशियन कंट्रीज में क्या आपको इन औरतों के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए, हम लोग जो बाहर आके बिल्कुल उठानी चाहिए, पर ये हमारा ज्यूडिकल सिस्टम कर सकता है ना, मगर वो नहीं उठा सकते गवर्नमेंट में और होगा कि वो नहीं चेंज होगा क्योंकि आप जब डोमेस्टिक वायलेंस का बिल नहीं पास कर सकते हैं क्योंकि शरिया के अगेंस्ट कोई लॉ जा नहीं सकता है, और आपकी शरीयत में लिखा है कि औरत पे आप जो आपके बकौल आपके एक लकड़ी से मार सकते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। This is where the religion comes in and causes a problem for the women who are getting abused at home, right? हम तो बाहर आ गए। I do not agree with domestic violence. जैसे मैंने वो स्टिक का कहा ना, जितनी पेंसिल होती है ना लिखने वाली, वो उससे भी छोटी होती है। मुझे आप एक बात बताएं, पेंसिल से मारे या आप उससे पिन, मैं कहती हूँ जो बॉल पिन होती है उससे भी आप अगर उठा के किसी बंदे ने मुझे यहाँ पे मारा, क्या मैं उसको नहीं ले जा सकती जेल में डोमेस्टिक अब्यूज के लिए, क्योंकि वो एक गलत चीज मानी जाती है। तो वो एक गलत चीज, समथिंग दैट इज रॉन्ग, which is wrong, I totally agree with you. I'm a woman myself. I totally do not agree with domestic violence. But वो चीज एक जिस context में बोली गई कि आप हकीकत एक बात बताएं, अगर एक मिनट के लिए मैं एक पेंसिल से आपको टैप करती हूँ on the back of your hand, उससे तो आपको इंजरी एज इन इंजरी तो कोई होने वाली नहीं। वो एक मर्दों का मुंह बंद करने के लिए बोली गई थी, हर चीज को आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखें। रिगार्डलेस ऑफ द पॉइंट, आपको लग रहा है कि उसको वैसे हर्ट नहीं हो रहा, इमोशनली वो बंदी उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट हो रही है, दैट इज रॉन्ग। नहीं, सिर्फ आप चाहे उससे मारो या अगर बुरी तरीके से बात ही क्यों ना करो, दैट ऑल्सो हर्ट पीपल। तो किसी मर्द को कोई इजाजत नहीं है कि वो अपनी बीवी को इंसल्ट करे, क्योंकि बीवी तो आपकी इज्जत मानी जाती है, शी इज अ पार्ट ऑफ यू। तो मर्द को कोई हक नहीं है, यही तो मैं चीज बोल रही हूँ ना, जिस चीजों को बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस्लाम को आजकल के लोग, अंदर मेनी मुस्लिम डूइंग इट। मैंने गलत रिप्रेजेंट नहीं करा, हमने बात की कि भाई ये लिखा, मैं आपको नहीं बोल रही, तो आप वो बोल रही है ना जो आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको गलत नहीं बोल रही, मैं ये बता रही हूँ इस मेजॉरिटी मुस्लिम्स ही मिसरिप्रेजेंट खुद कर रहे हैं, इसीलिए सामने वाले फिर बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप बोलेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप मिसरिप्रेजेंट कर रही हो, आप वो बोल रही हो जैसे सलमान रुश्दी का किस्सा हुआ। मैं मतलब कब से आपकी, काफी टाइम से मतलब आपकी लाइफ पे मैं हूँ, मैं बातें सुन रही हूँ, आप वही बोल रहे हैं जो आपको फिर दिखाई दे रहा है। पर मैं ये चीज कहने की कोशिश कर रही हूँ कि काफी हद तक मुस्लिम मेजोरिटी ही है जो चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके दुनिया को दिखा रही है कि ये नहीं ये है और वो चीजें गलत हैं। वी शुड गो बैक टू द बेसिक्स। इफ यू एक्चुअली कोई बैठ के पूरे हम जैसे उनकी जिंदगी हमारे प्रॉफिट की गुजरी है, जिस तरीके से उन्होंने औरतों को इज्जत दी है, जिस तरीके से वो पेश आए, सबसे पहले तलाकशुदा और बेवा अ विडो अन अ डिवोर्सी से शादी करने वाले भी हमारे प्रॉफिट ही थे कि औरत को इज्जत दो, अपनी बीवी बना के रखो। चार शादियां मर्द पे तब जायज हुई थी, क्योंकि उससे पहले कोई डिवोर्सी या विडो से शादी करने तक को तैयार नहीं था। People have stopped representing the good facts, और जो गलत facts है ना वो दुनिया के सामने ला रहे हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, मगर जिस चीज को आप गलत कह रही हैं वो आपकी बुक से ही आ रही है ना, आप उसको कह रही हैं कि वो गलत कॉन्टेक्स्ट में है,
तो फिर आपने कहा कि नहीं उसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट भी निकल सकते हैं. सो हाउ कैन यू से कि वो लोग गलत सोच रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ वो सही बात है, जो दूसरा कह रहा है वो नहीं है. एक चीज को जैसे अभी हम आपस में बात कर रहे हैं ना, तो हमारी बात को कोई दो बंदे अगर बैठे ना, एक सुनेगा वो एक वे मिलेगा, दूसरा इंसान सुनेगा, एक बोलेगा मैं सही हूँ, दूसरा इंसान जो बैठा हम मेरी और आपकी जो बात सुन रहा है ना, वो बोलेगा कि आप सही हैं। तो दो उनकी आइडियोलॉजीज होगी या ना, दो थिंकिंग होगी क्या, टू डिफरेंट वो अपने दे रहे हैं, एक बोल रहा है मैं सही हूँ, एक बोल रहा है आप सही हो। उसी तरीके से जब 10 लोग हैं, 50 है, हजारों है, करोड़ों, हर इंसान एक अपना मतलब निकालता है, पर जो उस इंसान के दिमाग में चल रहा है कोई जरूरी नहीं है कि वो सही है। वो एक इंसान सामने आता है, 10 पीछे लोग और लगाता है, वो सब बोलते हैं हाँ जी यही सही है, कत्ल करना शुरू कर दो, इस्लाम के नाम पे कहीं नहीं लिखा कि किसी को जाके ऐसे ही कत्ल कर दो, नहीं, बोलते हैं मतलब फिर एक को आपने मारा कहा पूरी इंसानियत को कहीं नहीं मार लिखा. दिया। देखिए 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 देखिए, आप ये कहती हैं कहीं नहीं लिखा, तो लिखा तो है, लिखा तो है. फिर आपने रसूल जी के उस पे बात की कि वो औरतों को बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, तो आई डोंट नो कि कितनी रिस्पेक्ट देते थे आपने मेरे. आई डोंट नो कि आपने कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. हैव यू? जी पढ़ा है, अच्छा, तो आपको पता होगा मारिया किप्तिया कौन थी. जी, पता है आपको कौन थी? जी, आप बताएं बताएं बताएं, आप ही बताएं। तो मरिया किप्तिया जो थी वो एक लौंडी थी, लाइक सेक्स स्लेव थी, और उनके साथ आपकी रसूल का बच्चा भी है. तो आपको उनकी स्टोरी नहीं पता? मुझे ये आप ये बताएं, इस्लाम कितने साल पुराना है? 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 50 है, हजारों साल पुराना है। उस पे आप जाएं तो हिंदुइज्म में नहीं देखिए, कितनी यहाँ पे देखिए, बीवियां, यहाँ नहीं पे नहीं एक नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं है. रुके आप रुके जैसे रुके, हर हिंदुइज्म मान रहे हैं ना, इसलिए हम रिलीजन हिंदुइज्म पे नहीं नहीं बात कर रहे. नहीं, नहीं सुनो, हिंदू, आप मैं आपने एक कहा एक हिंदुइज्म हिंदुइज्म को कर मान लो, लिया. क्रिश्चियनिटी करो, हजारों मैंने साल बिल्कुल पहले कितनी। बिल्कुल सवाल नहीं है. क्या आप मरिया किप्तिया का वाकया जानती है? देखिए, मैं ना क्रिश्चियन थी ना मैं क्या कहते हैं हिंदू रही हूँ. मैं मुसलमान थी, आप भी मुसलमान हैं, तो हम उस पे रहे जो हमको पता है. हमें हिंदुइज्म का पता ही नहीं है. तो आप नहीं मुझे मैं बताइए, आपको मरिया किप्तिया का पता है वाकया कि नहीं पता? बस उस पे मुझे आप बता दें. मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया, अब आप मुझे मुझे बताइए ये सही है कि नहीं है. मैं बता रही हूं ना, ये वो बात वही फिर आ जाती है ना, ये हजारों साल पहले जब ये चीजें हुई, उस वक्त का सोसाइटी मौल माशरा किस तरीके का था, जो आज है ऐसा था। अभी तो क्या इंडिया में भी ना चाइल्ड मैरिज बैन हो गई है, पाक में भी चाइल्ड मैरिज बैन हो गई है, वेस्टर्न कंट्रीज में तो कब की हो गई है, पहले ये आप 100 साल पहले ही चली जाएं, ये चीजें थी। आई अग्री विद यू. तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर उस जमाने में हम नहीं रह रहे हैं, तो उस जमाने की बुक्स को लेकर हम क्यों चल रहे हैं आज? उस जमाने की बुक्स उठा के कचरे में क्यों नहीं डाल रहे, जैसे क्रिश्चियंस ने डाल दी अपनी बुक उठा के कचरे में? क्रिश्चियनिटी आपको क्या लगता है कि दुनिया से खत्म हो गई है, या क्रिश्चियंस है ही नहीं? दैट्स अ बिग मिसकंसेप्शन। क्रिश्चियंस है, मगर मैं जाके ना यहाँ पर अभी बोल दूँ ना, पार्डन माय लैंग्वेज, मैं अगर बोलूँ ना फकिंग जीसस क्राइस्ट, यहाँ गोरे खड़े हैं सामने, कुछ नहीं कहेंगे हाँ मुझको. तो उनके उन्होंने क्रिश्चियनिटी है, मगर उसके दांत निकाल दिए उन्होंने. उनके जो है ना चर्चेस बंद हो रहे हैं, उनकी जो है ना डिफरेंट वो हो गई है, मगर इस्लाम जो है वो डिफरेंट ही किस्म की वो चीज है. आप कह रहे हैं कि हम 7th सेंचुरी में रहे, आप देख लें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान क्या कर रहे हैं, ईरान में क्या हो रहा है औरतों के साथ. तो वो तो 7th सेंचुरी वो की है ही औरत गलत, आई डोंट स्टैंड विद देम, वो सब लोग हैं ही गलत, आई टोटली स्टैंड विद फॉलोइंग दीज रियल पीपल। इस्लाम, तो वो रियल इस्लाम फॉलो कर रहे हैं ना. वो जो क्रेजी यार जो लोग होते हैं, एक अगर 10 लोगों में अगर एक इंसान पागल हो गया या बेवकूफ हो गया, अब सर वो बात तो फिर वही आ जाती ना, एक गंदी मछली से पूरा तालाब आप गंदा कह रहे हो। ईरान एक बंदा नहीं है, ईरान पाकिस्तान एक बंदा नहीं है, और ईरान जो अफगानिस्तान एक बंदा नहीं है. दीज आर ऑल बिग पीपल. आईसिस इज नॉट व्हाट वन दिस, बंदा, व्हाट हुज तालिबान कंट्रोलिंग देम बहुत दो? इट्स लाइक अब यहाँ जैसे हम बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में है, राइट, हम यहाँ पे जाके किसी का मर्डर कर दें तो आपको लगता है हमें छूट मिल जाएगी? वही जब हम पाक या इंडिया में हो, हम लाख 2 लाख उनको थमा देंगे, दूसरे दिन हम चले जाएंगे घर, कोई केस ही नहीं बनेगा। पर
पर यहाँ जब हम हैं, हम किसी को मर्डर करेंगे ना, आप लाख 2 लाख क्या अपनी पूरी करोड़ों की जायदाद भी दे दो ना, तो उसका भी केस बनेगा ब्राइबरी का। तो डिफेंस ये कंट्रोल कौन कर रहा है? अगर कंट्रोल, अगर मेरा आप पे कंट्रोल है, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये काम कर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम पे तशद्दुद करूंगा, आई एम गोना टॉर्चर यू, तो तुम डर के मारे वही काम करोगे आप कि मुझे, मेरे पे ये इंसान ना टॉर्चर ना करे। तो अच्छा मियां, तालिबान की जो मैं आवाम है, तो जैसे सुना लोग हैं, आपको लगता है वो तालिबान के साथ खुश हैं? है वो कौन, क्यों अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? आपको पता है, आप सुने, आपको पता है कि कितने जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए थे मुसलमान, पाकिस्तानी स्पेशली, जब तालिबान आए हैं तो उन्होंने खुशियां मनाई हैं। आपको पता है ये कितने खुशियां मना रहे थे, हालांकि खुद वेस्ट में बैठे हैं, खुद वेस्ट में बैठे हैं। आपका भी, आप भी तो वेस्ट में ही है, आप क्यों हाँ नहीं मैं रहती भी किसी इस्लामिक कंट्री में? इस वजह से नहीं रहती है क्योंकि आपको पता है आपको वो राइट्स वहां नहीं मिलेंगे जो आपको इन कंट्रीज में मिले हुए, क्योंकि ये सेक्युलर कंट्रीज हैं, इनको रिलीजन निकालनी पड़ी। अगर आज यहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी स्टेट में होती ना, आई अग्री, तो हम आई लोगों को दिक्कत टोटली अग्री विद बड़ी दैट। होती। मैं इस चीज से कभी नहीं, मैं डिसअग्री नहीं करूंगी। यस, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में औरत को वो लिबर्टीज मिलती है, जो बैक होम जो हमारी कंट्रीज है, इंडिया है, पाक है वगैरह जो भी है, मतलब उन कंट्रीज में, क्योंकि हमारी थिंकिंग, हमारे मर्दों की स्पेशली मेल थिंकिंग वही है कि औरत को दबा के रखना है। और उस मेल थिंकिंग का किसी रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, वो मेल थिंकिंग भी हम लोगों ने खुद ही नहीं, बनाई सारी है। रिलीजन्स का मेल थिंकिंग से ताल्लुक है, बकौर एज एन एग्नोस्टिक एथियस्ट मैं समझती हूँ कि सारी रिलीजन्स, स्टार्टिंग फ्रॉम वेर एवर आप चले, हम मूसा से स्टार्ट कर लेते हैं, आदम से स्टार्ट कर लेते हैं, वो आदम भी मर्द, ठीक है ना, फिर मोजिस भी मर्द, फिर ईसा भी मर्द, फिर मोहम्मद आए वो भी मर्द, फिर उसके बाद आप हिंदुइज्म में देख लो, वहां भी ज्यादातर मेल डोमिनेटेड वो है, तो ये सारी मर्दों ने लिखी है, बुधा भी मर्द, जरतोष भी मर्द, तो वो अपने फायदे के लिए लिखी ना उन्होंने किताबें, हमारे फायदे के लिए लिखी थी। तो अब वो हम हमें ये देख गया, देखें आजकल के जमाने में बाहर के मुल्कों में उनको ये दिख गया कि भाई देखें जो जमाने में रिलीजन आई थी वो आजकल के जमाने में मोरालिटीज नहीं है हमारी, ठीक है, और ना ही हम इसको डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो वो आगे बढ़ गए, उन लोगों ने अपनी रिलीजन को स्टेट से अलग कर लिया। अब जो मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हमारी रिलीजन में ये चीज है, इसको रिफॉर्म करना जरूरी है हमारे लिए टू मूव फॉरवर्ड, वो मान ही नहीं रहे तो आगे निकलेंगे कैसे? यू नो व्हाट आई मीन, फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, देन यू मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्टली, बट दैट्स द थिंग, इट्स द मेल थिंकिंग दैट दे हैव टू, इवन मैं खुद इस चीज को मैं बोलती हूँ कि हमारे जो मौलाना होते हैं, मुल्ले होते हैं, वो अगर उनका बयान भी आप सुनो, व्हेन दे गिव द स्पीचेस, वो चीजें वो बोलेंगे जो उनके एज अ मेल हक में है। औरत के राइट्स के बारे में कभी कोई नहीं बोलता। इस बात वहीं पर आ जाती है, द मिसरेप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो औरतों के मगर ना हक में इस्लाम बारे में में औरत के बोलेंगे। राइट है ही नहीं, मगर इस्लाम में औरत के राइट आई'म सॉरी है ही नहीं, तो आपको कैसे, आपकी तो आपका अरे यार फैमिली कैसे नहीं है, पूरे राइट्स है, क्यों नहीं है राइट्स पर? कोई राइट्स को बताने आगे बढ़ने दे। इवन एज अ कौन से वाइफ, राइट वाइफ है, के पास कितने राइट्स होते हैं, पर कोई उनपे डिस्कस करता है? कोई नहीं बताएं करता। कौन से राइट्स हैं, बताइए मुझको जरा प्लीज। वाइफ को फ्रॉम जहां से निकाह जब होता है, बिफोर शी इवन सेज यस, वहां से हक मेर से लेके ना, जब तक उसका हस्बैंड की डेथ तक नहीं हो जाती, कौन सा राइट नहीं है? हक मेर वो डिमांड कर सकती है बिफोर शी इवन सेज यस टू गेटिंग मैरिड। और हस्बैंड को अगर अग्री करना है, ठीक है, नहीं तो आप जाए, शादी हो ही नहीं रही, वहां से उसका राइट शुरू होता है। उसके बाद जैसी अच्छा, वो अपने हस्बैंड और के घर तलाक, आई, तलाक का चले शादी में राइट्स मिल गए, तलाक के राइट्स क्या हैं औरत के पास? तलाक औरत खुद क्यों नहीं ले सकती? खुला का पूरा रास्ता खुला है, वो खुला खुला ले के लिए क्या सकती। करना पड़ता है उसको? खुला को लिए क्या करना पड़ता है? वो बताए कि वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, वो उसके मगर साथ क्या खुला के गलत कर। लिए, खुला के लिए औरत को घर से बाहर निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है कोर्ट में, और जाकर वहां पे फाइलिंग करेगी, फिर जाके खुला मिलती है। वेरैज एक मर्द 3 दफा तलाक बोल देता है और उसको तलाक हो जाती है। फिर आपके मर्द को 4 बीवियां रखने की इजाजत है, आपको इजाजत नहीं है 4 बीवियां रखने की, राइट? तो मुझे एज अ वुमेन आई फाइंड दिस इनजस्टिस के आजकल के जमाने में रीजन जहाँ डीएनए चेक हो सकता है, तो एक औरत को भी 4 मर्द रखने की इजाजत होनी चाहिए। बट वेन दीज रूल्स वर मेड, तब तो डीएनए तो नहीं था ना, ये डीएनए तो अब आया है ना, अब तो आईवीएफ एग्जैक्टली, तो ट्रीटमेंट भी अब है, नहीं यू है, डोंट वो नहीं इवन। थी, वही तो, जब ये बुक्स लिखी गई थी तब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी और वो चीजें नहीं थी। फॉर नहीं एग्जाम्पल थी आपके पास, आप जो है आज
2017 या 2007 का नोकिया फोन तो नहीं यूज कर रही ना, क्योंकि बेहतर आ गया है, मगर ऑब्वियसली रिलीजन जो है हम उसको पता नहीं क्यों नहीं छोड़ते। हम वहीं पे 7th सेंचुरी के रिलीजन लेके बैठे हैं, उन्हीं आइडियोलॉजीज को लेके बैठे हैं, हालांकि वी हैव कम सो फार एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ होल प्रॉब्लम ना। प्रॉब्लम हो गई है कि आधा जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 7th सेंचुरी में रहना चाह रही है, और बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं हम, और वो कह रहे हैं नहीं तुम कहाँ 21st सेंचुरी में जा रहे हो, क्योंकि 21st सेंचुरी में जाते हैं तो हमको दिखता है कि जो 7th सेंचुरी की चीजें थी ये बेकार थी। अब हम उस पर बोलते हैं तो 7th सेंचुरी वाले हमसे कह रहे हैं नहीं इस चीज पे मत बोलो, तुम हमारे साथ 7th सेंचुरी में चलो, तुम कहाँ आगे निकल रहे हो। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज अकरिंग, यू नो। बट दैट्स अगेन, दैट्स जो लोगों की फिर थिंकिंग है वो मर्दों की एक मेन थिंकिंग है ना, कि वो हमको औरत को वो आजादी ना दें, वो उन पे प्रेशर बनाए रखें, तो उसको लेके आप एक पूरे कम्युनिटी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आई नो मेनी मैन हु आई नो मेनी मुस्लिम मैन, बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो मतलब इतने को मैं जानती हूँ जो औरत पे जुल्म भी करते हैं, उनको भी मैं जानती हूँ, और जो अपनी बीवी को इतने अच्छे से रखते हैं, अपनी माँ को, बेटी को, लोगों की बेटियों को इज्जत से देखते हैं, वो भी मुस्लिम्स हैं। तो हर इंसान डिफरेंट होता है, आप एक ही वो क्या बोलते हो उसे तराजू में सबको नहीं तोल सकते कि सब ही गलत नहीं, है। मैं सबको नहीं तोलती हूँ, मैं उन्हीं में से निकली हूँ तो मैं नहीं कहती हूँ, और बहुत सारे मैं एक्स मुसलमान को जानती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो इस्लाम को ऐसा ऐसा करके इसी वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके लिए मुश्किल है। वो यहाँ बैठ के 6 साल की बच्ची की शादी डिफेंड नहीं कर सकते आज के जमाने में, आप स्लेवरी डिफेंड नहीं कर सकते आज के जमाने में। तो जब आप ये सारी चीजें मॉरल चीजें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उस जमाने की वैल्यूज आप साथ में लेके नहीं चल सकते हैं, दैट इज द होल प्रॉब्लम। मैं पूरी कम्युनिटी को नहीं बोल रही हूँ बट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी, और अब औरतों को मत हटाएं। अभी मैं दो औरतों से बैठ के बात कर रही थी, दोनों बाहर रहती हैं पाकिस्तान से, और फौरन मेरे कपड़ों पे और मेरे उस पे आ गई थी पर्सनल अटैक्स पे, ठीक है ना। आप नहीं, वो यार ये पर पता है, ये तो पर्सनल थिंकिंग हो गई है, आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी है तरीके से कपड़े पहने, कोई आपको कमेंट तो मैं ऐसे पास नहीं कर सकता, वो तो योर पर्सनल चॉइस, वो तो आपकी मर्जी है ना, आप क्या पहने या क्या वहां बैठे, किसके साथ क्या करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू बिलीव इन एनी गॉड, बेशक हो अल्लाह हो, गॉड हो, भगवान हो, जो भी हो, इफ यू बिलीव इन एनी रिलीजन दैट्स बिटवीन यू एंड इट, इफ नॉट दैट्स फॉर योर सेल्फ। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हर इंसान अपने लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं करता, ना कोई किसी पे जाके एक जजमेंट ऐसे पास कर सकता है, वो तो अपनी एक पर्सनल चॉइस है, वो तो मैं आपकी बात मानती हूँ। इट इज नॉट अ पर्सनल चॉइस ना, इट इज नॉट अ पर्सनल चॉइस, वो चॉइस आपकी, मुझे यहाँ पर मेरी गवर्नमेंट ने दी है, मगर दूसरे लोग जो उसके ऊपर बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, हालांकि वो इसी मुल्कों में बैठे हैं मगर उनको ये लॉज पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक वुमेन इन शॉर्ट क्लोथ्स, मगर वो बैठे हैं ऐसे मुल्कों में जहाँ औरतें फिरती ऐसी हैं, यू नो दिस होल थिंग के वर्चुअल सिग्नल करना कि हम सबसे अच्छी हैं, हम शक्ल नहीं दिखाते, हम पर्दा करते हैं, तो आप उन्हीं मुल्कों में बैठे ना जहाँ पे पर्दा कर रहे हैं, और फिर बैठ के डिफेंड करना कि नहीं इस्लाम ने हमको सारे राइट दिए, भाई नहीं दिए ना, तभी तो सारी इस्लामिक कंट्रीज आपको राइट नहीं दे रही है, बिकॉज इस्लाम डजंट गिव यू ऑल द राइट्स, वो कहाँ से दे देंगे वो, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी नहीं देते आपको सारे राइट्स, इफ दिस वाज अ क्रिश्चियन कंट्री, वो तो सेक्युलरिज्म आया, दैट्स व्हाई वी हैव द राइट्स। वो तो मैं मानती हूँ आपकी बात, मैंने पहले कहा मैं इस चीज से डिसएग्री नहीं करती कि है फनाटिक्स, पर फनाटिक्स आपको हर जगह मिलेंगे, इस वक्त इस्लाम में बहुत ज्यादा फनाटिक्स फनाटिक्स वो है, हिंदू जाकर गर्दनें काट रहे हैं, मुझे बताएं कितने हिंदू ने वेस्ट में आके गर्दनें काट दी है लोगों की, या कितने मुसलमानों की गर्दनें काट दी है कैथोलिक्स ने आकर रिलीजन के नाम पर या गुस्ताखी के नाम पे, किसी ने नहीं किया, गुस्ताखी के नाम पे सिर्फ एक ही लोग गर्दनें काट रहे हैं। यार मुझे ये बताएं आप, यहाँ पे बाहर सबसे ज्यादा, आपने भी कुछ देर पहले जब मैं आपकी लाइव सुन रही थी व्हाइट सुप्रीमेसी, आपने भी ये मेंशन चीज की थी कि नहीं की थी, यहाँ पे आई एम इन इंग्लैंड आई हैव बीन हियर मोस्ट ऑफ माय लाइफ, ठीक है, यहाँ के लेक्टर्स जो हैं, जो व्हाइट्स हैं, उनका रवैया हम एशियन ब्राउन स्किन, टू द मैटर इफ यूर अ इंडियन, इफ यूर अ पाकिस्तानी, यूर अ बंगाली, यूर अ टर्किश, मतलब जो हम ब्राउन कलर्ड स्किन के बंदे हैं, जो ये व्हाइट्स हैं, इनकी हमारी तरफ ट्रीटमेंट क्या होती हमारी तरफ, और जो ब्लैक्स होते हैं उनकी तरफ इन लोगों की क्या ट्रीटमेंट होती है,
कॉन्टेक्स्ट वहीं पे फिर आ जाता है, इफ इट्स अ रिलीजन और इफ इट्स अ कलर, एक चीज दूसरी चीज पे हावी होती है। रिलीजन इज डिफरेंट, रेस इज डिफरेंट। देखिए मैं भी यहाँ 25 साल से रह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि भाई यूके में जहाँ पर आप लोग जाकर एक थिएटर में मूवी बंद करवा देते हैं मुसलमान, और अक्सर वहाँ पे एक बंदे को, अभी जो टीचर था वो अभी तक छुपा फिरा हुआ है क्योंकि उसको आप लोगों ने जाके धमकियां दिला दी। तो मुझे नहीं पता कि कितना, आप अगर ये मुझसे कहती ना 20 साल 30 साल पहले ये चीज हो रही तो आई अग्री विद यू, मगर मैं खुद कनाडा में बैठी हूँ, 20 30 साल पहले हाँ होती होगी, आज नहीं होती। यहाँ पे आज आपके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, रूल्स बने हैं, लॉज बने, आप उनको कोर्ट में लेके जा सकते हो, कोई कंपनी नहीं कर सकती। हर बट कंपनी में कोटा है, सुने सुने, हर कंपनी में एक कोटा है कि भाई गोरे के ऊपर ही कोटा है कि आपने इतने ब्लैक्स को रखना है, इतने ब्राउन्स को रखना है, इतने लेस्बियंस को रखना है, इतने ट्रांस को रखना है, इतनी औरतों को रखना है, मगर ये चीज ब्राउन्स में नहीं आती। आप किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाएं तो वहां पे व्हाइट वेटर नहीं मिलेगा आपको, आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे वहां भी कोई गोरा वेटर नहीं मिलेगा आपको, हाँ मगर गोरे के रेस्टोरेंट में आपको सारे लोग मिलेंगे। तो ये बात कि व्हाइट सुप्रीमेसी आए होंगे, मैं कहती नहीं कि नहीं होंगे, मगर 25 साल में मैं मेजोरिटी गोरों के बीच में रहती हूँ, मेरी बच्ची वाहिद बच्ची है, बाकी सारे गोरे हैं उसके स्कूल में, मुझे तो आज तक किसी ने गलत ट्रीट नहीं किया, ना मुझसे किसी ने रिलीजन पूछी, ना ये पूछा कि तुम हो कहाँ से। सो ये बात हम बार बार बोलते रहते हैं व्हाइट सुप्रेमिस व्हाइट सुप्रेमिस, हम बैठे क्यों हैं यहाँ पर फिर? अगर गलत है, खराब है, इतने बुरे हालात है, तो इससे बेहतर हम वापस चले जाएं अपने मुल्कों में, वहां ज्यादा बेहतर हालात है, यू नो। सो वी हैव टू मेक बैलेंस करें आप कि क्या हो रहा है, गले कौन काट रहे हैं यहाँ पर और किस वजह से काट रहे हैं। मैं आपकी इस बात से अग्री करती हूँ, ये जो गले काटने वाली ये चीजें होती हैं दे रॉन्ग। मैं इससे एक बार भी मैंने डिसएग्री नहीं किया, मेरा सिर्फ पॉइंट इतना था कि आप एक इंसान एक क्या मतलब, अभी तो बहुत कुछ चल रहा है पर कुछ लोगों की वजह से आप एक पूरे रिलीजन को आप रॉन्ग नहीं कह सकते। मेरा मेन पॉइंट ये था, ये जैसे अब सारी ये कहा ना बोलते आपने रेसिज्म की वजह से आप कोर्ट जा सकती हो, तो वही चीज है कि खुले के लिए भी आप कोर्ट जा सकती हो। इन चीजों के लिए अगर आपको कोर्ट प्रोसेस चाहिए तो उसके लिए भी आपको कोर्ट प्रोसेस ही चाहिए। नहीं, एक बंदे को तलाक देने के लिए कोई कोर्ट प्रोसेस नहीं चाहिए, वो सिर्फ 3 दफा तलाक बोलता है और आपकी तलाक हो जाती है और बंदी घर से बाहर हो जाती है। सो यू मैं डोंट नीड खुले अ की कोर्ट बात की है, प्रोसेस। मैंने तलाक की बात नहीं है हाँ की, तो मैंने फिर खुला बोला है। कैसे हुआ वो, फेयर कैसे हुआ? मेरा खुदा मुझसे कह रहा है तुम जाओ कोर्ट में, जो कमजोर औरत है जिसको बाहर भी नहीं निकलना चाहिए बकौल उनके के पर्दा में रहना चाहिए, उसको कह रहा है तुम बाहर निकलो, जाके धक्के खाओ कोर्ट के। मर्द जो बाहर निकल सकता है उससे कह दिया है, उसके लिए चीजें आसान कर दी, 3 दफा बोलो तलाक हो जाए। इट इज नॉट फेयर ना, मेरे खुदा ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, तो मैं उसको इसी वजह से नहीं मानती। क्योंकि हाउ कैन, देखिए आपके बच्चे होंगे ना, आप अपने बच्चे को, दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगी आप, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो ये कैसा खुदा है जिसको हमें कहता है कि हाँ हमारा मालिक है, हमारा पैदा करने वाला है, उसने ये डिफरेंस क्यों पैदा किया है? हमें बोल दिया कि हमारी दिमाग आधा है, इस वजह से हमारी विटनेस जो हमारी गवाही है वो आधी है। क्यों भाई क्यों हमको इस वजह से? क्योंकि हमें पीरियड लाते हैं और उसमें हमारा दिमाग सही से सोच नहीं सकता। अब आप खुद औरत हैं, मुझे बताएं आपको पीरियड आते हैं कभी? आप इवन मैं तो, मुझे तो नहीं लगता कि कभी मैंने ब्रेक ली हो, चाहे पीरियड आ रही हो चाहे मर रही हो, बच्चों को देखना तो लाजमी है, 2 वक्त की रोटी डालना तो लाजमी है, हम कर लेते हैं, तो हमको आधा दिमाग बिल्कुल चला गया। हमारी विरासत में हमारी जो जायदाद है वो हमको क्यों आधी मिलती है, लड़के को ज्यादा मिलती है, यू नो। सो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं ना कि वुमेन हाउ दे आर ट्रीटेड इन इस्लाम रिलीजन और कैथलिक में, इनमें भी है, वो तो इन्होंने आगे बढ़ गए ना, इन्होंने उसको गार्बेज में डाल दिया है। अदरवाइज कैथलिक्स में भी यही गंद था, ये इब्राहिमिक रिलीजन में सब में ये गंद है, सारे मुसलमान खराब नहीं है। मैं इस्लाम को खराब बोल रही हूँ, मैं मुसलमानों को खराब नहीं बोल रही, ठीक है? मैंने बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान देखे हैं, मुसलमान बदल भी रहे हैं, चेंज भी हो रहे हैं, रिफॉर्म भी हो रहे हैं, मगर इस्लाम आइडियोलॉजी खराब है, क्रिश्चियनिटी की आइडियोलॉजी खराब है। कि मैं जो तीन रिलीजन्स यहाँ पे जो चलते हैं, जूडिज्म है, क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है, वो तीनों फिर वो बात आपकी इब्राहिमिक रिलीजन, वो तीनों मोर लेस सिमिलर ही हैं, तीनों की काफी चीजें सिमिलर भी हैं। तो दे कांट बी द ऑल थ्री ऑफ द वन ऑफ या हिंदुइज्म ज्यादा बड़ा है, राइट? तीन जो मेन रिलीजन्स चल रहे हैं दुनिया में, वो तीनों कैसे यार गलत हो सकते हैं? आप बोल सकते हो कि कुछ भी नहीं है, नहीं तीनों की नहीं वो बुक्स आप गलत रॉन्ग है, है, तीनों देखिए की एक से थिंकिंग दूसरी रॉन्ग है। कॉपी हुई है, एक से दूसरी कॉपी हुई, दूसरे से तीसरे ने कॉपी की। तो फॉर एग्जांपल अब तो एवोल्यूशन थ्योरी हमारे सामने आ गई है, अब आप क्या वाकई में समझती हैं कि एडम ईव थे,
और उनके बच्चे हुए और उनके बच्चों ने अपने आपस में शादी की, एक इंसेस्ट से हमारी नस्ल चलती आ रही है। क्या आप ये बिलीव करती हैं? क्या आप ये बिलीव करती हैं कि एडम ईव पहले लोग थे? हालांकि अब हमको पता चल गया है कि भाई इंसान कब से फिर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। डायनासोर्स के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि डायनासोर्स क्या थे। जब आप उनसे साइंस के बारे में पूछते हैं तो उसमें लिखा है अर्थ इज फ्लैट। मीटियोर्स क्या है? ओ वो जिन जो है वो पटाखे मार रहे हैं शैतान को। सो व्हेन यू लुक एट इट बिल्कुल अगेन, दीज थिंग्स वर रिटन इन 7th सेंचुरी। उन्होंने अपने दिमाग के हिसाब से लिखी है, मगर आज के दिमाग का बंदा, उसको पता है कि भाई अर्थ कैसा है, ये मीटियोर्स क्या है, डायनासोर्स होते थे कि नहीं होते थे, या एडम से पहले लोग थे कि नहीं। तो वो थ्योरी आपकी वही गलत साबित हो जाती है, झूठ साबित हो जाती है। एंड दैट्स हाउ वी कैन से कि ये तीनों रिलीजन गलत है, क्योंकि जब एडम वॉज नॉट द फर्स्ट मैन ऑन द प्लेनेट, तो वो वहीं से स्टार्टिंग ही खराब हो जाती है आपकी, गलत हो जाती है। साइंस हैज इट्स ओन प्लेस. और माई पर्सनल थिंकिंग, कोई अनपढ़ जाहिल गवार मैं भी नहीं, पहले अच्छी खासी मैं भी पढ़ी लिखी हूँ. आई मीन आई लिव्ड माई एंटायर लाइफ आउटसाइड, आई वॉज बोर्न आउट इन अ वेस्टर्न कंट्री, आई बीन एजुकेटेड. आई मीन साइंस, यस आई बिलीव इन साइंस एज वेल, बट आई डू बिलीव इन रिलीजन एज वेल, दैट देयर इज अ गॉड, देयर इज हेल एंड देयर इज हेवन. वो चीज फिर आ डॉक्टर जा, मतलब इन आपका तीन रिलीजन्स के अलावा भी आप और किसी रिलीजन में भी देखें तो उनमें भी उनका मतलब किसी भी नाम से पर उनका एक गॉड होगा. अच्छाई और बुराई में वो लोग भी यकीन करते हैं, फिर कोई भी और रिलीजन आई हो डोंट इन बिलीव तीनों इन के भी एनी ऑफ अलावा. देम ना। देखें, आई डोंट बिलीव ऑन एनी ऑफ देम। मैं तो उन सबको वो कह रही हूँ ना कि आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ देम, मगर मेरा आपसे सवाल ये था कि आप ये बाहर बैठी हैं, मगर मुझे ये वही है कि आई गेट शॉक समटाइम्स बिकॉज़ वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, When you go and read the theory of evolution, जब आप उसको पढ़ेंगी, जब आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ती हैं, फॉसिल्स फ्यूल, आप फिर पढ़ रहे हैं कि डायनासोर्स किस सदी में आए थे, कब आए हैं दुनिया में, तो वो एडम की थ्योरी जो है वो बहुत कच्ची और झूठी लगनी शुरू हो जाती है आपको। सो देन जैसे ही वो थ्योरी अगर गलत है, चलो मैं मान भी लेती हूँ चलो वो थ्योरी सही है, तो फिर मुझे आप आगे ये बात बताएं कि अल्लाह मियां ने दो कपल्स क्यों नहीं बना दिए वहां पे, बहन भाई के बीच में उन्होंने क्यों सेक्स करवा के नस्लें बढ़ाई आगे? क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है कि अगर आप अपनी फर्स्ट कजन से भी शादी कर रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हाउ यस, कैन गॉड, डेफिनेटली. हाँ नहीं, मगर हाउ कैन गॉड स्टार्ट योर जनरेशन फ्रॉम समथिंग दैट इज गोइंग टू बी अ सिन इन द फ्यूचर? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो वो कॉन्ट्रडिक्ट करती है अपने आप को चीजें। फ्रॉम योर परस्पेक्टिव आई अग्री वो फ्रॉम वॉट यू आर सेइंग. आई वाज थिंकिंग ऑफ अ पर्सन हु बिलीव इन साइंस एंड डजंट बिलीव इन रिलीजन. आई रिस्पेक्ट योर परस्पेक्टिव, वो आपका है. मतलब जिस तरीके से साइंस को लेके आप बोल रही हैं, वो मैं आपकी बात आपकी अपनी जगह मानती हूँ. पर मेरा यही मेन पॉइंट था, क्योंकि मैं कब से सुन रही थी, मतलब आप किसी भी, ये नहीं कि इस्लाम को, कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा इस्लाम को, कि आप किसी भी पर एक किसी की थिंकिंग को आप ये नहीं कह सकते कि आप गलत हो. जैसे मैं आपको नहीं कह रही, बेशक आप यकीन नहीं रखती अल्लाह में या गॉड में या मतलब किसी भी क्रिएटर में, आप अगर यकीन नहीं रखती, जैसे मैं आपकी थिंकिंग को इंसल्ट नहीं कर रही, तो ऐसे ही आप लोग मतलब जो नहीं बिलीव करते, वो जो बिलीवर्स हैं उनकी थिंकिंग को आप इंसल्ट नहीं कर सकते. फिर वो उनकी नहीं, आई थिंकिंग डोंट है. इंसल्ट एनीबॉडीज, किसी का बिलीव है, मगर अगर वो आके मुझसे डिबेट करते हैं, अगर पॉइंट रखेंगे तो मैं उनको काउंटर तो कर सकती हूँ ना। आई बिलीव के ठीक है, ओह यस, डिबेट तो आप कर मगर सकते हैं, अगर बिल्कुल. यू हैव अ मेरी फुल राइट, थिंकिंग, आप मगर अपना देखिए पर्सपेक्टिव लोग रख आते सकते हैं, हैं. हाँ मगर मेरे पास यहाँ लोग आते हैं जिनकी थिंकिंग ये है कि मेरा गर्दन मेरी उड़ा देनी चाहिए, राइट? तो फिर मैं उनको अब यार ये तो गलत है ना, ऑब्वियसली मैं टोटली डिसएग्री विद दैट. मैं इस चीज पे तो बिल्कुल नहीं मानती कि किसी को मार देना चाहिए. यार वो बोलते हैं ना, एक इंसान को मारो तो आप पूरी इंसानियत को मार रहे हो. इस एक चीज को, इंसान को पहले आप इंसान जब समझेंगे ना, रिलीजन बहुत बाद में आता है. एक अच्छा इंसान आप बन जाओ ना, तो उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. मेरी नहीं, पर्सनल मगर बिलीफ यही है. आपका डॉगमा जहाँ आ जाता है तो वहाँ रैशनैलिटी, इंसानियत सब गोज डाउन द विंडो। जब आपका डॉगमा आ जाता है, आप सुनने के लिए कोई चीज तैयार नहीं है। आपके अंदर वो पेशेंस, पेशेंस इज द की जो मुसलमानों को चाहिए है, वो आग बगोला। आप जैसे आप कह रही है कि चंद लोग होते हैं, मगर आप खुद ही देख लें, हर रोज किसी के ऊपर तौहीन रिसालत का इल्जाम लग रहा है। हर रोज बेचारा मौलवी आज फंस गया, वो देखने, उसको तो किसी ने कहा कि जाकर ये चीजें जला दो, उसको पता भी नहीं था, बाद में उसी के उसके ऊपर वो लग गया। सो दिस इज गेटिंग लाइक आउट ऑफ हैंड ना।
दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि चलो हम एक रिस्पेक्ट भी कर लें, मगर पहले आप ब्लास्फेमी डिफाइन तो करें. आपकी हम हदीसें पढ़ रहे हैं तो आप हम पे ब्लास्फेमी का वो लगा रहे हो, दैट्स नॉट फेयर. आपकी हदीस पढ़ना कौन सा ब्लास्फेमी हो गया है? अब मुझे ये पता है, अब मैं आपकी मतलब लाइफ में मैंने ज्वाइन किया, मैंने आपके साथ पर्सनल पे बदतमीजी की. आई एम अ मुस्लिम, मैं पैदा भी मुस्लिम घर में हुई हूँ, पली बड़ी भी मुस्लिम में हूँ, अल्लाह पे यकीन भी रखती हूँ, सब कुछ है ठीक है. पर आपने जितनी बातें कही, मैंने आपकी किसी अच्छे से मैंने बात की, आपकी कोई बात ऐसे टोकी नहीं, या आपको ऐसा ना शाउट किया, ना आपको इंसल्ट किया, कुछ भी नहीं ना किया. क्योंकि मैं जो मानती हूँ एज अ मुस्लिम, आपको दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. मैं जो मानती हूँ कि हमारा मजहब हमें यही सिखाता है, पीस लव, सामने वाले की रिस्पेक्ट करो, इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करो. मेरे पास बहुत सारे मुसलमान आते हैं, ऐसी बात नहीं है. मेरे पास मुसलमान आते हैं जो कंडेम भी करते हैं इस चीज को. ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान आके सारे मुझे गालियां ही देते हैं, मगर हैं जो गालियां देते हैं और वो करते हैं. दोज आर द वंस वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एंड कंडेम. उन लोगों को मैं खुद पर्सनली एज अ मुस्लिम, मैं उनको मुसलमान मानती नहीं कि ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी घटिया सोच जिसकी है वो अब मुसलमान के, वो इंसान भी नहीं है, वो जानवर है. क्योंकि आप किसी के साथ ऐसा, आप किसी के बारे में नहीं सोच सकते, ना आप किसी को दूसरे को ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, ना कहीं नहीं है कि आपको इजाजत किसी को जाके कत्ल कर दो. अपनी जिंदगी जियो, लिव अ पीसफुल लाइफ एंड लेट अनदर पर्सन लिव एज वेल. या बट वही बंदा कहेगा कि आप मुसलमान नहीं हो, क्योंकि आप कैसे गुस्साख रसूल को कह रही हैं कि उसको मारना नहीं चाहिए. ठीक है ना, सो दैट्स द थिंग ना. फिर वो वही चीज सर की सरतन से जो आप पे आ जाती है, तो इट्स अ डबल एज सोर्ड यू नो. मुझे पता क्या, जिसको कि ये चीज कहनी है ना वो बेशक कहे, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, मुझे खुद पे यकीन है, मुझे अपनी इंसानियत पे यकीन है, और किसी की छोटी सोच की वजह से मुझे मेरी जात को कोई फर्क नहीं पड़ता. सबसे बड़ा तो इमरान खान फंस गया, उसने सलमान रुश्दी के बारे में बोला कि आई कंडेम, यानी ये सही नहीं किया इन्होंने, नहीं करना चाहिए था. तो टीएलपी वालों ने उस पे गुस्ताखी का ट्रेन चलाया. अब उसने अपनी स्टेटमेंट वापस ली है, उसने कहा कि मैं आई डिडंट मीन दिस, आई डिडंट मीन दैट. तो आपको देखने के इमरान खान के ऊपर कैसे प्रेशर डाला. इट्स पीयर प्रेशर, तो यही तो ट्रेंड हम लोगों में चलता है ना, जिसे पीयर प्रेशर बोलते हैं ना, कि एक जो जगह पे होता है ना, वो जो बोलते हैं ना नहीं नहीं ये सबको करना है वरना ये नहीं ये हो जाएगा, तो वो पूरा ग्रुप ज्वाइन होता है. वो जब 10 लोगों का ग्रुप फिर बाहर जाता है ना, वो 50 लोगों और को प्रीच करता है. जब वो उनको प्रीच करता है ना, तो वो उन 50 लोगों के दिमाग में भी ना कचरा भर जाता है. दैट्स हाउ इट बिगिंस. ये जो हम लोगों ने लीडर्स खुद बनाए हुए ना, जो बकवास करते हैं ना, उसकी वजह से इतनी हेट्रेड फैलती है. दैट्स व्हाट वी नीड टू स्टॉप. जो अच्छी चीजें हैं, दैट्स व्हाट वी नीड टू स्प्रेड, नॉट द हेट्रेड. हेट्रेड की वजह से तो यहां तक इतना है ना कि आजकल तो वही बात आ गई ना, हेट्रेड की वजह से तो भाई भाई का कत्ल कर रहा है. चले, थैंक यू सो मच. मैं जरा आगे बढ़ती हूँ, मुझे काफी देर हो गई, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द टाइम. मुझे अच्छा लगा कि आप आई, आपने अभी ऑनेस्टली बैठ के आराम से सुनी मेरी बातें, और आपको गुस्सा नहीं आया, यू डिडंट गेट मैड, यू डिडंट स्वेयर एट मी, कोई पर्सनल अटैक्स नहीं किया आपने. तो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट. थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम. थैंक यू. चले, टेक केयर, थैंक यू सो मच. इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है. आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है.